दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है iPhone 8 Plus, जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में मेरे पास आ रखा है, जो कि फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से डैमेज है। तो मैं इस वीडियो के अंदर बैक पैनल चेंज करके दिखाऊंगा। अगर आप फोल्डर चेंज करने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो आप दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक गॉड फादर में। अगर कहीं चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि मैं इस वीडियो के अंदर इस फोन का बैक पैनल चेंज करके दिखाऊंगा। अगर आप फोल्डर चेंज करना देखना चाहते हो तो आप दिए गए एड्रेस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कार्ड ले लूँगा, जैसा कि कोई भी आप कार्ड ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे ग्लास को निकालने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और यहाँ पे मैं कोई भी लेज़र मशीन का यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं SMD का यूज़ करूँगा, इसको हीट करके ग्लास को निकालूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको हीट करना है और ओपनर की मदद से इस ग्लास को रिमूव करना है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको करना है, यहाँ पर ज़्यादा हीट मत करना जिससे कि बोर्ड पर आपके असर पड़े। Till I get up, time is barely on our side. दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिना किसी लेज़र मशीन के ग्लास को अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है। तो अब दोस्तों मेन काम आता है, यहाँ पे अगर कोई भी छोटी मोटी डस्ट रह जाती है तो उसको रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्रश की मदद से सारा डस्ट यहाँ पे रिमूव कर दूंगा ताकि हमारा न्यू ग्लास यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट आ जाए। तो दोस्तों मैं अब आपको न्यू ग्लास भी दिखा देता हूँ जो कि मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ये आप कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यही न्यू ग्लास है जो कि मैं इस पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बैक पैनल के ऊपर यहाँ पे पेस्ट लगानी होगी, जो कि यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको गम को भी लगाते हैं। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे गम को लगाने वाला हूँ उसी तरीके से आपको भी यहीं पर अप्लाई करनी है। तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे गम लगा दी अपने फ़ोन पे। अब यहाँ पे हम ग्लास को फिट करेंगे। तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करनी है। तो यहाँ पे अब आपको प्रेशर अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पे प्रेशर दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से प्रेशर देना है। तो यहाँ पे अब मैं रबड़ बैंड्स का यूज़ करूँगा ताकि अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको पूरे फ़ोन के ऊपर रबड़ बैंड्स अप्लाई कर देनी है। तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पे रबड़ बैंड्स लगा रहा हूँ। अब हम इस फ़ोन को एक दो घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे हमारा ग्लास अच्छी तरीके से लग चुका है। तो ये काफ़ी कूल और अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय दोस्तों।